लाइक बटन पर चप्पल मारकर वीडियो के अंदर आए, उंगलियों का कमाल दिखाते हुए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और हाथ जोड़कर घंटी बजा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन वाला प्रसाद मिलता रहे दोस्तों। हे गाइस, सचिन सक्सेना हियर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल सचिन सक्सेना यूट्यूब चैनल। इंस्टाग्राम यूज करते हो, आपको फॉलोवर्स चाहिए, इंस्टाग्राम पे एक बढ़िया धांसू प्रोफाइल बनानी है, तो आज का ये वीडियो देखते रहिए, बहुत ही कमाल का होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आपको दो ऐसे कमाल के एप्लीकेशन बताने वाला हूँ जिससे आप अपने जेन्यून फॉलोवर इंक्रीज करो। मैं कोई फॉलोवर बढ़ाने का ट्रिक व्रिक नहीं दे रहा हूँ, आप जेन्यून फॉलोवर बढ़ा सकते हो। लोग, आप जितने ज़्यादा अच्छे टैग्स देंगे उतने ज़्यादा आपको फॉलोवर मिलेंगे। दूसरी चीज़, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने प्रोफाइल बिल्कुल कूल बना सकते हो ग्रिड वाली फोटो लगाकर। तो ओके, इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करते रहिए और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से फॉलो कर लो या सर्च कर लो YT सक्सेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पर नंबर वन ऐप आता है 9cut। तो ये हमारे पास दो एप्लीकेशन है, मैं पहले 9cut को रिव्यू करूंगा उसके बाद दूसरे। दोनों ऐप के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ से कोई एक फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से एक सिंपल सा फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इस फोटो के सेप को सिलेक्ट करना होगा कि आपको कितने साइज में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको हल्का फुल्का टाइम देना होगा। उसके पहले आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं 3x1 3x2 कि आप अपने फोटो को किस रेशियो में कट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से सजेस्ट करूंगा कि आप 3x3 रखें, वन ऑफ द बेस्ट है। उसके बाद आपको कट करने के बाद यहाँ से एडजस्ट हो जाने के बाद ऊपर यहाँ पर कट के बगल में एरो का निशान आपको शो हो रहा है तो आपको सिंपली एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट आ रहा है तो इसको आप कट कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ इस तरह का विंडो होगा तो नीचे यहाँ सेव लिखा है, शेयर लिखा है, तो आपको सेव नहीं करना है, इस फोटो को शेयर करना है। तो आप डायरेक्टली शेयर करके फीड और स्टोरी, तो आपको फीड में शेयर करना है, स्टोरी में तो 24 आवर बाद रिमूव हो जाएगा। तो आपको फीड पर सिलेक्ट कर करके एक एक करके आपको सारी फोटोज को लगा देना है। तो कुछ एक एक करके यहाँ पर फोटोज इस तरह से आ जाएंगे। तो यहाँ पर तो कुछ खास नहीं लगेगा लेकिन जब अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे आप चाहो तो टेक्स्ट भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ कुछ टेक्स्ट नहीं लिखा, जल्दबाजी में जल्दी शेयर कर दिया। तो आप यहाँ पर देखेंगे प्रोफाइल पर जब भी कोई पर्सन आएगा तो आपको देखो कुछ इस तरीके से फोटो मिल जाएगी। ग्रिड में फोटो है लेकिन ऑटोमेटिकली यहाँ पर बहुत ही कमाल की और बहुत ही कूल फोटो लगती है। जब कोई क्लिक करेगा तो उतना ही पार्ट खुलेगा लेकिन यहाँ पर जब आपकी प्रोफाइल पर आएगा तो बहुत ही यूनिक लगती है। तो इस तरह से आप अपनी प्रोफाइल को बहुत ही कूल लुक दे सकते हो। तो ये आपको कैसा लगा तो आप इस कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये वाला फीचर या ये वाला ऐप आपको कैसा लग रहा है। इंस्टाग्राम यूज करते हो तो भाई अपनी प्रोफाइल ऐसी जरूर बना के डालिए, काफी कूल लगती है। नेक्स्ट ऐप आता है हमारा जो है बेस्ट हैशटैग वाला, तो इसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये क्या करता है, सिंपली एक हैशटैग देने वाला ऐप है जिसमें आप डायरेक्टली अपनी फोटोज के हिसाब से हैशटैग सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी मिलती है, पॉपुलर कैटेगरी, ऑटो कैटेगरी एंड कैप्शन। तो पॉपुलर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैप्पी के, सैड के, इमोशन के, मोमेंट के, कई तरह के आपको यहाँ पर कैटेगरी मिल जाएंगी। तो आप वो उनको कॉपी करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम में पेस्ट कर सकते हैं। ऑटो में आप ऑटोमेटिक ले सकते हो और कैप्शन में जब भी कोई लिखते हैं ना कि कैप्शन देते हैं अपनी फोटो के नीचे तो आप कैप्शन भी दे सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी फीचर मिलता है इनको ऑटोमेटिक, उसको भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट इनको कॉपी करके यूज कर सकते हैं लेकिन मेरा जो इसमें सबसे बेस्ट फीचर लगा वो मुझे लगा ऑटोमेटिक वाला, यानी कि आप कोई भी इसमें फोटो अपलोड करिए ऑटोमेटिक वो फोटो खुद ब खुद कैप्शन दे देगा और खुद ब खुद टेक्स्ट दे देगा। तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे यूज कर रहा है। कैप्शन में यहाँ पर कोई लिस्ट है कैप्शंस की, छोटे छोटे यहाँ पर वो स्टोरीज टाइप की लिखी है टाइटल, तो आप उनको अपने इमेजेस के नीचे लगा सकते हो। तो मैं यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करके कोई एक फोटो सिंपल ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ से देखिए मैंने ये वाली गैलरी से फोटो उठा के सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक उसने मुझे एक कैप्शन दे दिया और यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट दे दिया। अब यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पर देखिए इस एरो बटन पे रीलोड बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये चेंज भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है और यहाँ पर ऑटोमेटिक उसने कैप्शन दे दिया, हैशटैग इंडिया, हैशटैग आईजी इंडिया, हैशटैग इंस्टा इंडिया, हैशटैग उत्तर प्रदेश, हैशटैग बिजनेस, ये आपकी लोकेशन वगैरह का यूज करता है और उससे यहाँ पर ऑटोमेटिक कुछ कैप्शन जनरेट कर देता है आपकी फोटोज के हिसाब से। तो ये बहुत कमाल का मुझे लगा। आप यहाँ से अगर कैप्शन कॉपी करना चाहते हैं तो केवल कैप्शन को भी टिक कर लें, अगर हैशटैग को कैप्शन कॉपी करना चाहते हैं तो हैशटैग को टिक कर दें, उसके बाद नीचे आपको कॉपी बटन पर क्लिक करना है और उसको जाकर इंस्टाग्राम पर पेस्ट कर देना है। तो ये बहुत कमाल की ट्रिक है, तो आप इससे जाके बढ़ा सकते हैं अपने फॉलोअर्स वगैरह। इसके अलावा अगर आपको अलग अलग तरह के फैमिली के, नेचर के, पीपल्स के, लाइफ स्टाइल के, हॉलीडे के, सभी के चाहिए तो आपको यहाँ पे अलग अलग तरीके से मिल जाएंगे। तो आप यहाँ 3-डॉट मेन्यू पे क्लिक करके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ले सकते हो, लव के मिल जाएंगे, फॉलो के, फूड के, फ्रेंड्स के, हॉलीडेज के। तो इस तरह से आप इस ऐप को यूज़ कर सकते हो। तो मुझे तो ये दोनों ऐप बहुत बढ़िया लगे, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइए, उस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, जरूर से लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास शेयर करना।
सबके पास शेयर करना है भाई, जो जो बंदा इंस्टाग्राम यूज करता है सबके पास शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद है आप लोगों का कि आपने इस वीडियो को देखा। पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, नीचे कमेंट करके छोड़ना कि आपको इस ऐप से कुछ फ़ायदा होने वाला है, नहीं होने वाला है, अच्छे ऐप हैं, ख़राब ऐप बता सकते हो कमेंट में, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए सजेस्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, गुड बाय।